नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। क्यों, ये जो आज चर्चा हो रही है आपके साथ इस कार्यक्रम में हमारी, ये आपके मंथली राशिफल को लेकर के है, मासिक राशिफल को लेकर के। और ये मंथली राशिफल जो है मार्च 2022 का है। और ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है जिसकी चर्चा आपसे हम कर रहे हैं, मेष से लेकर के मीन तक, ये पूर्ण रूप से लग्न राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम आपसे चर्चा करेंगे, ये करेंगे जो मकर लग्न के जो जातक हैं, कैप्रिकॉन असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके मार्च 2022 के राशिफल के विषय में, मासिक राशिफल। और जानेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि आप मकर लग्न के जातकों को किस किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति हो सकती है मार्च 2022 में। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं, एक छोटी सी इस पर नज़र डाल देते हैं, ग्रहों की स्थिति क्या है आप मकर लग्न के जातकों के चार्ट में, गोचर में, ग्रह गोचर स्थिति। तो देखिए, आपके लग्न भाव में ही, यानी पहले भाव, पहले घर में ही, फर्स्ट हाउस में मंगल, बुध, शुक्र और शनि चार ग्रह बैठे हुए हैं। मकर राशि है इसमें, और यहाँ पर मंगल उच्च की अवस्था में है और शनि यहाँ पर अपने ही घर में, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। साथ में शुक्र और बुध भी हैं, तो चार ग्रहों की युति यहाँ पर है। लेकिन 6 मार्च को बुध यहाँ से निकल रहे हैं और निकल करके जाएंगे सेकंड हाउस में, जहाँ पर कुंभ राशि है, वो भी उनकी अपनी सम राशि है, वहाँ पर उनका प्रवेश होगा। वहाँ पर उस राशि में, कुंभ राशि में, सेकेंड हाउस में पहले से ही सूर्य और गुरु विराजमान है, तो उनका साथ इनको मिलेगा बुध को। लेकिन 19 मार्च को बुध अस्त हो जाएंगे, 19 मार्च को अस्त होंगे और 24 मार्च को अस्त अवस्था में ही फिर ये राशि परिवर्तन करेंगे और ये कुंभ राशि से निकलेंगे सेकंड हाउस से, थर्ड हाउस में इनका प्रवेश होगा अपनी नीच राशि मीन में। ये बुध की स्थिति रहेगी। सूर्य 14 मार्च को सेकंड हाउस से, कुंभ राशि जो उनकी शत्रु राशि है, वहां से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मीन में उनका प्रवेश होगा थर्ड हाउस में, सेकंड हाउस से निकल करके। गुरु जो यहां पर पहले से ही विराजमान है सेकंड हाउस में कुंभ राशि में, वो अस्त अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन ये भी 26 मार्च को पूर्व में उदय हो जाएंगे, होंगे तो अब मार्च के बिल्कुल आखिर में जाकर के, लेकिन हो जाएंगे उदय। 31 मार्च को शुक्र जो लग्न भाव में बैठे हैं मकर राशि में, अपनी मित्र राशि में, ये भी यहाँ से निकलेंगे 31 मार्च को और ये अपनी जो मित्र राशि कुंभ है सेकंड हाउस में, वहाँ ये प्रवेश कर जाएंगे। तो ये स्थिति थी ग्रहों की, जो अभी जिसकी चर्चा हमने आपसे की है। अब आपको बताना चाहेंगे कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। सबसे पहले आपके साथ चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय, करियर, प्रोफेशन को लेकर के, कैसा रहेगा ये मार्च का महीना आपके प्रोफेशन को लेकर। तो देखिए मित्रों, बहुत ही कम शब्दों में आपको बता दें कि ये महीना वैसे अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, बस इतना जरूर है कि देखिए, शनि की 7.5 का प्रभाव भी बना हुआ है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। तो शनि का भी अपना एक प्रभाव है, रहेगा, दिखाई भी देगा आपको। लेकिन क्योंकि कुछ अच्छे राजयोग का भी निर्माण हो रहा है आपके कुंडली में, तो आप परेशानियों के साथ सफलताएं भी, उसमें से उन्नति भी आपकी निकल करके आएगी। बस इस प्रकार का कुछ राजयोग है कि जहां एक और परेशानियां होंगी, उन परेशानियों में से ही आपके लिए सफलता वाले भी परिणाम मिलेंगे, निकलेंगे। तो यह स्थिति आपको रहेगी। थोड़ा सा आपके कार्यों में अड़चनें पैदा करने वाले भी लोग हो सकते हैं, जो आपको चाहेंगे कि इनको अच्छे रिजल्ट ना मिल पाए, इनका अच्छा नाम ना हो पाए, वगैरह वगैरह। तो वो इस तरीके के लोग भी होंगे जो आपको नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ पाएं, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप तो बहुत दृढ़ संकल्प हैं, डिटरमिंड हैं, आप तो जो सोच रहे हैं वो होगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर हम देख रहे हैं जो माइनस में जा रही है आपके, वो ये है कि आपका जो एनर्जी लेवल है, वो आप इस लगभग पूरे महीने ही 26 मार्च तक वो डाउन रहेगा। ये जरूर एक समस्या आपके साथ है, एनर्जी लेवल आपका डाउन रहेगा, स्वास्थ्य भी
उसकी चर्चा करेंगे बाद में स्वास्थ्य की हम, और लेकिन आपने क्या करना है आपको उपाय भी देंगे हम। अगर आप उपाय करेंगे तो ये सारी चीज़ें दूर होंगी और आप सारी समस्याओं से बाहर निकल करके आएंगे और एकदम डट के खड़े होंगे मैदान में। बाकी ग्रहों की स्थिति कुछ ग्रहों की ऐसी है जो आपको पूरा लाभ देना चाहते हैं, आपको सफलता प्राप्ति कराना चाहते हैं, उन्नति आपकी देखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको भी हिम्मत दिखाने की आवश्यकता है इस महीने, तभी बात थोड़ी आगे बढ़ेगी। अब आप समझ गए होंगे मैंने बहुत खोल करके बात कर दी आपको कार्य क्षेत्र को लेकर, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार में। अब बात करते हैं आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। देखिए वित्तीय स्थिति का जहाँ तक प्रश्न आता है, वित्तीय स्थिति को लेकर के तो बता दें कि थोड़ा सा क्योंकि राजयोग भी बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं से कैसे भी हो टेढ़े मेढ़े रास्ते से धन निकल ही आएगा आपके पास। हो सकता है थोड़ा सा घूम करके आए या कुछ चीज़ें ऐसे हैं एकदम सीधे सीधे ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी होकर के हो, लेकिन वो धन आ जाएगा आपके पास तक, धन का पूरा बन जाएगा आने का बंदोबस्त। तो धन तो आप इस तरीके से अपना करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, प्राप्ति होगी धन की आपको। और मैं आपको बता दूं कि जो मार्केटिंग से संबंधित लोग हैं, जिनका बोलने का काम है, मार्केटिंग हो या लॉयर वगैरह हैं, वे लोग जरा कुछ ज़्यादा ही सफलता प्राप्त करेंगे और उनको धन की प्राप्ति भी जो होगी वो भी ज़्यादा ही होगी कुछ ऐसे लोगों को। जहाँ तक सुख सुविधा का सवाल है, गाड़ी वाहन सारी सुख सुविधाओं का आनंद आप इस महीने लेंगे, बिल्कुल लेंगे, उसमें कोई कमी मुझे नहीं दिखाई पड़ती। प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध रहेंगे क्या? देखिए जो आप की बात करूं मैं प्रेम संबंधों की, तो अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो ये प्रेम संबंध तो आपके चलेंगे। बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना कि जिनको अच्छा नहीं लगता, वो बीच में आकर के कुछ रोड़ा अटकाने की कोशिश जरूर करेंगे या आपको भड़काने की कोशिश करें या आपके साथी को भड़काने की कोशिश करें, लेकिन उनका कोई प्रभाव आप दोनों में से किसी के ऊपर भी कुछ ज़्यादा विशेष प्रभाव हमें पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए रिलेशनशिप तो आपकी कायम रहेगी, मित्रता। इससे आगे बात का जाना या बढ़ना, विवाह की बात हम कर रहे हैं, वो उसके योग नहीं है, उसके आसार नहीं है इस महीने आप मकर लग्न के जातकों के लिए। जो विवाहित महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? उनका वैवाहिक जीवन आपके बीच में तनातनी भी रहेगी और चीज़ें नॉर्मल भी होंगी। आप ही दोनों चीज़ों को नॉर्मल करेंगे, आप ही चीज़ों को बढ़ाएंगे, आप ही कम करेंगे। तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो आप ही की पैदा की हुई होंगी दोनों की, और विशेष रूप से तो आपकी, जो हम आपसे बात कर रहे हैं मकर लग्न के जातकों की, आपका कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा इन चीज़ों में, यानी कि तनातनी को बढ़ाने में। तो हो सके तो कोशिश करें कि गुस्सा भी कम करें और अपने पार्टनर को कम से कम ऐसी बातें बोलें जो उनको हर्ट ना करें। हम तो कहते हैं बोले ही ना, बहुत अच्छी बात है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए पारिवारिक संबंध तो ऐसे रहेंगे कि 14 मार्च तक आपको अपने जो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद के साथ साथ हो सकता है कुछ और भी आशीर्वाद के रूप में आपको प्राप्ति हो जाए, इस बात के भी योग बन रहे हैं 14 मार्च तक। लेकिन साथियों 14 मार्च तक तो चलो वो सब ठीक रहेगा, लेकिन 19 मार्च से माह के अंत तक एक तो आपका जो भाग्य है उसमें कमी रहेगी, और भाग्य में थोड़ी कमी रहने के कारण बाकी चीज़ें भी फिर आपको ढंग से पूर्ति उनकी नहीं हो पाएगी जो मिलनी चाहिए समय पर, या तो वो समय पर ना मिले, आगे पीछे हो, या जितना आप आशा करते हो जितना एक्सपेक्ट करते हो उसके अनुसार ना मिल पाए चीज़ें, ये रहेगी स्थिति 19 मार्च के बाद। और छात्रों के लिए कैसा रहेगा, उनकी शिक्षा को लेकर के? तो देखिए छात्रों का जहाँ तक प्रश्न है, छात्रों का भी ऐसा ही रहेगा कि या तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे और या फिर रिजल्ट प्रभावित भी हो सकते हैं, इस बात की भी पूरी जितनी संभावना इस बात की है कि परिणाम बहुत सुंदर आएंगे इतनी संभावना इस बात की भी है कि ये परिणाम आपके बुरी तरह प्रभावित भी हो सकते हैं, डिपेंड आप पर करेगा। अगर आपने लापरवाही नहीं की अपनी पढ़ाई को लेकर के
बहुत तो ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, मेहनत भी खूब करते हैं लगन के साथ, फिर भी उनको वो परिणाम नहीं प्राप्त होते। लेकिन आपके ही इस चार्ट में मैं जो देख रहा हूँ मकर लगन की, वो कुछ अलग सिचुएशन है। वो यही है कि आप फोकस करें अपनी पढ़ाई पर, अगर नहीं करा तो एकदम बिगड़ जाएंगे, करा तो बहुत अच्छे आ जाएंगे, ये स्थिति है। संतान का भी कुछ ऐसा ही रहेगा, संतान की ओर से भी, कि आप जो हैं अपनी संतान की ओर से या तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर जाएंगे या फिर थोड़े प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि संतान आपकी जो जिस लाइन पर चलना चाहिए वो करेगी, सही दिशा में जाएगी, सही दिशा में अपने काम करेंगे वो, उनकी ओर से वैसे कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं हो पाएगा। ये चीज़ एक अच्छी है, बेशक चाहे रिजल्ट इतने अच्छे ना हो। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के हम बता दें आपको, स्वास्थ्य की चिंता आपको करनी चाहिए पूरे महीने। अगर आपने नहीं की तो आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत करना चाहते हैं आपको हम, अगर आप स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही की तो ये आपके लिए परेशानी बन जाएगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह ना हो, इग्नोर ना करें। अब आपको उपाय बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप करें बुध का उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करें पूरे महीने। दूसरा शिव सहस्त्र नाम का पाठ। अब आप कहेंगे कि दो सहस्त्र नाम बता दिए, अरे भाई आप 10-10 मिनट ही कर लें, 20 मिनट कर लें बस, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट कर लें, 5-7 मिनट ये कर लें विष्णु सहस्त्र नाम, 5-7 मिनट कर लें शिव सहस्त्र नाम, इतना कर लें आप बस। और शनि की, क्योंकि 7:30 ही चल रही है, प्रत्येक शनिवार जाकर के मंदिर में शनि महाराज के वहाँ पूजा करें, शनि चालीसा का पाठ करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, माथा टेकें शनि महाराज के श्री चरणों में। महिलाएं जो हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाके शनिवार के दिन संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जला करके आए, एक परिक्रमा कर लें वृक्ष की, ये कर सकते हैं। और महिलाएं गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। तो ये उपाय हैं, अगर आपने किए निश्चित रूप से लाभ होगा आप तुला लग्न के जातकों को। तो ये था आप तुला लग्न के जातकों का मासिक राशिफल मार्च 2022 का। प्रिय साथियों, अगर ये आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को करें शेयर, ताकि दूसरे लोग भी इससे हो सके लाभान्वित। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको अगर दबाएंगे तभी आपके पास आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे वो पहुंच पाएंगे और आप उनका लाभ भी उठा पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।